स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रॉब्लम सेट टू पाइथागोरस थ्योरम का। जितने भी टॉपिक्स होते थे मोस्टली हम लोगों ने कवर कर दिया है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रॉब्लम सेट। इसमें सारे मिक्स क्वेश्चन आएंगे, तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। जो लास्ट टाइम मैंने टेस्ट लिया था आप लोगों का, तो टेस्ट में जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मैंने कुछ दिए थे आप लोगों को, उसी तरह से उससे रिलेटेड है, जिसमें आप लोगों को प्रॉब्लम भी आया था सॉल्व करके देते वक्त। तो मैंने उसी को क्लियर करने की यहाँ पर कोशिश की है कि इस तरह के क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, तो आपको किस तरह से एग्जाम में उसको करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से। जो ये फर्स्ट पार्ट है इसमें ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर वन में, जिसमें से मैंने फोर क्वेश्चन यहाँ पर लिए है, 1, 2, 5, 6, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। और बाकी के जो 3, 4, 7, 8 ये जो सम्स है ये आप लोगों को सॉल्व करना है। यानी आउट ऑफ फोर क्वेश्चन फोर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं किस तरह से करना है, और बाकी के आपको ये होमवर्क है ये सॉल्व करना रहेगी। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट। हमारे पास ये चार नंबर्स का सेट दिया हुआ है, इसमें से कोई एक करेक्ट है और हमको क्या फाइंड करना है, पाइथागोरस जो ट्रिपलेट होता है। सबको एक ध्यान है, ट्रिपलेट किसको बोलते हैं, जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें ये जो तीनों साइड्स रहती है इसको हम लोग पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोलते हैं, ठीक है। अब इसके लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, इंडिविजुअल साइड्स का हम लोग स्क्वायर करेंगे, इंडिविजुअल साइड्स का स्क्वायर करने के बाद हम लोग जो बड़ी साइड है उसको, लॉन्गेस्ट साइड है उसको छोड़ देंगे, बाकी की साइड को सम करके देखेंगे कि थर्ड के इक्वल आ रहा है या नहीं। अब ये इस तरह से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा तो सबको सॉल्व करने नहीं बैठना, ये 1 to 2 मार्क्स के लिए आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, यहीं पर देख लेंगे। इसका 1 का स्क्वायर क्या होता है, ध्यान से देखो, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 5 का स्क्वायर 25, 10 का स्क्वायर 100। करना क्या है हम लोग को, जो बड़ा वाला है छोड़ देना है, दो छोटे को सम करना है, दोनों को सम करेंगे 26 आएगा, 26 इसके इक्वल नहीं होगा, बराबर ना, ये दोनों को प्लस किए 26, 1 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर जो आएगा वो दोनों को सम करेंगे, वो सम करेंगे तो इसके इक्वल आना चाहिए, नहीं आ रहा है छोड़ देंगे। अब इसको देखते हैं, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 25 का स्क्वायर 25, तो हम लोग क्या बड़ा जो नंबर है इसको छोड़ देंगे, बाकी के दो नंबर्स को देखते हैं 9 और 16, दोनों को प्लस करेंगे 25 के इक्वल आ रहा है, तो ये हमारा आंसर हो गया। बाकी फिर सॉल्व करने की आपको जरूरत नहीं है, इस तरह से आपको सॉल्व करना है। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट के लिए कंडीशन क्या है कि जो इसका स्क्वायर का सम, इसका स्क्वायर जो लॉन्गेस्ट साइड है उसका स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ दीज टू साइड, यानी इसके साइड का स्क्वायर प्लस इसके साइड का स्क्वायर should be equal to the square of the hypotenuse, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, इसको आप लोग सॉल्व कर लेना, मैंने आपको सिर्फ एक्सप्लेन किया। सेकेंड क्वेश्चन, राइट एंगल ट्राइंगल तो राइट एंगल ट्राइंगल किस तरह से होगा, ये हो गया बराबर है। अब ये वर्ड पे ध्यान देना, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ साइड मेकिंग राइट एंगल, इस वर्ड से क्या समझ में आएगा, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ साइड्स, कौन सी साइड्स मेकिंग राइट एंगल, राइट एंगल कौन सी साइड बना रही है, ये साइड नहीं बना रही है, राइट एंगल एक ये साइड फॉर्म कर रही है, एक ये साइड फॉर्म कर रही है, तो इन दोनों का स्क्वायर करके सम फाइंड करना है, इसका स्क्वायर दोनों को सम करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों, इसमें वर्ड दिया नहीं है पाइथागोरस थ्योरम, लेकिन हमको मालूम है कि राइट एंगल ट्राइंगल है और जो दो साइड है उसका स्क्वायर का सम करेंगे, दैट शुड बी इक्वल टू द
थर्ड वाले हाइपोटेनस के इक्वल आना चाहिए। तो हमको इनडायरेक्टली इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर दोनों का सम हमको दिया है 169, और हमको हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, मतलब ये साइड फाइंड करना है। तो ये कितनी साइड है हमको नहीं मालूम, ये कितनी साइड हमको नहीं मालूम है, लेकिन दोनों का स्क्वायर का सम मालूम है 169। सो ये दोनों का सम किसके इक्वल होगा, इसके स्क्वायर के इक्वल होगा। तो ये 169 किसका स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर। तो ये वाली साइड कितनी हो जाएगी, 13, क्योंकि इन दोनों का स्क्वायर का सम करेंगे दैट विल बी इक्वल टू स्क्वायर ऑफ दिस। ठीक है, ये पाइथागोरस थ्योरम है। तो 169 इन दोनों का सम दिया है, 169 इसका स्क्वायर करेंगे, 13 का स्क्वायर होता है, तो ये जो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया, तो ये बी हमारा आंसर। इस तरह से इनडायरेक्टली आप लोगों को क्वेश्चन देंगे, ये करने से आपका जो है ब्रेन थिंकिंग करेगा कि क्या है क्या नहीं राइट है। पाइथागोरस थ्योरम ही था लेकिन इनडायरेक्टली पूछा है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, समझ लेंगे तो आपको इजी और कंफर्टेबल लगेगा। नाउ थर्ड फिफ्थ क्वेश्चन, इसका जो थर्ड और फोर्थ पार्ट है आपको होमवर्क है, अभी फिफ्थ पार्ट। फाइंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ध्यान दो इस वर्ड को भी, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर मींस ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल। पेरीमीटर का मीनिंग कौन बताएगा, पेरीमीटर क्या बोलते हैं, जो भी डायग्राम ज्योमेट्रिकल डायग्राम हमारे पास गिवन है, आइदर स्क्वायर ट्राइंगल रेक्टेंगल रोम्बस कुछ भी, तो पेरीमीटर मींस सम ऑफ द बाउंड्रीज। जैसे अभी इस केस में हमारे को स्क्वायर दिया है, स्क्वायर मींस सब साइड इक्वल रहेगी, तो ये सब जो बाउंड्रीज है जो भी साइड है ये बाउंड्री का सम, इसको बोलते हैं पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड करना इफ इट्स डायगोनल इज 10√2। तो हमको डायगोनल दिया है ये 10√2, और हमको क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर। पेरीमीटर फाइंड करने के लिए कोई भी एक साइड अगर फाइंड करते हैं तो हम लोग 4 टाइम्स उसका कर देंगे तो उसका पेरीमीटर मिल जाएगा हम लोगों को। तो ध्यान से देखो, ये स्क्वायर मींस राइट एंगल हो गया, तो ये जो हाफ ट्राइंगल है कौन सा हो गया, ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। तो हम लोग साइड्स तो हमको नहीं मालूम, हम लोग एक्स अज्यूम कर लेते हैं, लेट साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इज एक्स। अब देखो ये साइड मालूम है, पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग ये साइड फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ही साइड है, दोनों इक्वल है, तो ये फाइंड कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम हमको कैसा लेना है, ये सपोज इसका कुछ भी नाम हम लोग दे देते हैं, ए बी सी डी। पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। इस तरह से सिस्टमेटिक लिखना है, तो ए बी स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और सेकेंड वाला बी सी स्क्वायर भी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 10√2 द होल स्क्वायर। बराबर है, ये पाइथागोरस थ्योरम हो गया। तो 1 और 1 कितना हो गया 2x स्क्वायर, और इसको स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 10 का कितना होगा 100, और रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा 2, तो कितना आ जाएगा 200। और आपको इस तरह से सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड करना है। x की वैल्यू जो भी आएगी, सपोज 10 आती है, x की वैल्यू सपोज हमको 10 मिलती है, तो ये 10 मिल गया तो चारों साइड कितना हो गया 10 10 10 10, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा 4 × साइड, चारों साइड को प्लस करेंगे तो 4 × 10, तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा 40। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ये आपको खुद से सॉल्व करना है, ठीक है, किस तरह से सॉल्व करना है मैंने समझा दिया। तो जो इसमें से आंसर आपको लिखना था ये हमारा, इसको आप खुद से ट्राई करेंगे, वो आंसर जो भी मिलेगा ये हम लोग फाइनल आंसर इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। नाउ सिक्स्थ वन, सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, ऑल्टीट्यूड्स ऑन द हाइपोटेन्यूज ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल डिवाइडेड इन टू पार्ट्स ऑफ द लेंथ 4 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। देखिए क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करना है, क्वेश्चन के जो वर्ड्स है उसी में सारा आपको एक्सप्लेनेशन दिया रहेगा, उसी से आपको आइडेंटिफाई करना है प्रॉपर्टीज को।
अगर क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखेंगे, ऑल्टीट्यूड मतलब हाइट, हाइट ऑन दी हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल, राइट एंगल ट्राइंगल है उसका हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज पे ऑल्टीट्यूड ड्रॉ कर रहे हैं। ध्यान से देखो, राइट एंगल ट्राइंगल है, ये वर्ड्स में ही सारा आपका एक्सप्लेन, ये वर्ड्स से अगर आप डायग्राम सही से नहीं बना पाए तो आप प्रॉपर्टी भी यूज नहीं कर पाओगे। राइट एंगल ट्राइंगल है उसका हाइपोटेन्यूज है एंड ऑल्टीट्यूड्स ऑन दी हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज के ऊपर परपेंडिकुलर ऑल्टीट्यूड्स कैसे ड्रॉ करेंगे, ये इस तरह से ड्रॉ करेंगे, ये ऑल्टीट्यूड्स हुआ, ठीक है। सो दिस ऑल्टीट्यूड विल डिवाइड साइड इनटू इक्वल पार्ट, एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया इसकी वजह से, ठीक है। तो डिवाइड इन टू पार्ट्स ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर, तो एक पार्ट को 4 सेंटीमीटर में डिवाइड किया, सेकेंड पार्ट को 9 सेंटीमीटर में डिवाइड किया है, इस तरह से वर्ड्स में क्वेश्चन दिया हुआ है। फाइंड द लेंथ ऑफ द ऑल्टीट्यूड्स, यानी ये जो ऑल्टीट्यूड्स है इसका हम नाम दे देते हैं BD, हमको ये फाइंड करना है, ये समझ में आ रहा है। यहां पर हमको इनडायरेक्टली वर्ड्स में दिया है लेकिन डायग्राम देख के समझ में आ जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल है और परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है हाइपोटेन्यूज पे, तो ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी से करेंगे तो BD स्क्वायर फॉर्मूला क्या यूज करेंगे हम लोग, BD स्क्वायर इज इक्वल्स टू बाय ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी AD इंटू DC, और इसको सॉल्व करना आप लोगों को आता है, आप खुद से ट्राई करेंगे तो इसमें आपको BD मिल जाएगा। BD क्या है, ऑल्टीट्यूड है, तो जो भी आंसर आएगा उसमें से एक आपको मार्क करना है, ठीक है। ये आप मार्क कर दोगे कंप्लीट हो जाएगा, ये मैंने 4 क्वेश्चन एक्सप्लेन किए और आपको रेस्ट ऑफ द 4 क्वेश्चन ये आपको खुद से ट्राई करना है, ठीक है। स्टूडेंट अब ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है, अब सेकेंड क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में फर्स्ट सेकेंड और फिफ्थ ये 3 क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन करता हूं, ऑन द बेसिस ऑफ दिस यू हैव टू सॉल्व 3rd, 4th, and 6th question। देयर आर टोटल 6 क्वेश्चन, आउट ऑफ 6 3 हम लोग मैं एक्सप्लेन करता हूं, फर्स्ट सेकेंड एंड फिफ्थ, जो बैलेंस रह जाता है 3rd, 4th, and 6th, ये आप लोगों को करना है प्रॉब्लम सेट 2 का, ठीक है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, सॉल्व द फॉलोइंग एग्जांपल्स, इस तरह से क्वेश्चन दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल हैविंग साइड 2a। इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया है, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल में ऑल दी 3 साइड्स आर इक्वल, इक्विलेटरल ट्राइंगल 3 साइड्स आर इक्वल एंड 3 एंगल्स आर इक्वल, यानी तीनों एंगल्स इक्वल है 180 का, तो कितना हो जाएगा 60 60 60 60 60 60। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल अगर हमको एग्जैक्ट क्वेश्चन में आता है तो दीज टू थिंग वी शुड नो, ऑल द 3 इक्वी मतलब ऑल द 3 साइड्स आर इक्वल एंड ऑल 3 एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। अब फाइंड द हाइट फाइंड करना है, हाइट इक्विलेटरल ट्राइंगल इज गिवन एंड साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 2a, तो यहां पर हम लोग को इसकी साइड 2a है, ये साइड 2a है, थर्ड वाली साइड, तीनों साइड इक्वल है 2a है एंड वी हैव टू फाइंड द हाइट। हाइट कैसे बनाएंगे, देखो ये जो ऊपर का वर्टेक्स है, ये ऊपर के वर्टेक्स से हम लोग ये हाइट ड्रॉ करेंगे, दिस इज हाइट, तो ये हाइट ड्रॉ करने से क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम 90, हाइट है 90 डिग्री परपेंडिकुलर है, दिस इज 60, तो ये कितना हो जाएगा 30, हाफ ऑफ हो जाएगा 30 60 90, तो हम ये ट्राइंगल कंसीडर करेंगे
बराबर है, एंड हम लोगों ने सब किया हुआ है। नाउ वी हैव टू फाइंड हाइट। हाइट मीन्स क्या फाइंड करना है? पीएम। इफ यू सी दिस लेफ्ट साइड वाला हाफ ट्राइंगल, अगर हम लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं, वन एंगल इज 30, 60, 90, राइट एंगल ट्राइंगल है, सो वी कैन यूज 30, 60, 90 थ्योरम। अभी हमको फाइंड क्या करना है? हाइट। हाइट फाइंड करना है मीन्स कौन सा यूज करेंगे? 60 के अपोजिट वाला फॉर्मूला। 30 के अपोजिट का यूज करने की जरूरत नहीं, क्यूएम फाइंड करने नहीं बोला है हमको, पीएम फाइंड करने बोला है। तो पीएम फाइंड करने के लिए साइड अपोजिट टू 60 डिग्री इन ट्राइंगल बाय 30, 60, 90 थ्योरम। ठीक है, साइड अपोजिट 60 डिग्री इज रूट 3 अपॉन 2 इनटू हाइपो। साइड अपोजिट टू 60 डिग्री कौन सी है? पीएम, और वही हाइट है, वही फाइंड करना है। और हाइपोटेन्यूज क्या है? ये हाइपोटेन्यूज 90 के सामने वाला है ना, ये 2 है। सो हम लोगों को हाइट क्या मिल गई? सो हाइट ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल इज रूट 3 ए। इस तरह से आएगा आंसर। हाँ ठीक है, हाइट फाइंड करने के लिए बोला गया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? डू साइड्स 7, 24 and 25 फॉर्म राइट एंगल ट्राइंगल, गिव रीजन। रीजन देना है। सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए राइट एंगल ट्राइंगल है, डायग्राम तो नहीं दिया है, ओनली 3 साइड्स आर गिवन, तो कैसे पता चलेगा राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं? तो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हम लोगों को क्या करना है? स्टेप, सब साइड का स्क्वायर करना है, स्क्वायरिंग साइड्स, सबको स्क्वायर करते, 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, और स्क्वायर करने के बाद क्या करेंगे? इसका स्क्वायर हो गया 49, 576, 625। तीनों साइड में राइट एंगल ट्राइंगल दिया नहीं है, हमको चेक करके बताना है। तो सबसे पहले हम लोग ये वाला जो लार्जेस्ट नंबर रहेगा, बड़ा नंबर, उसको छोड़ देंगे, जो स्मॉलर टू नंबर्स है उनको लेंगे, उसको ऐड करके देखेंगे। 49 प्लस 576, इसको ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है? 625। सो ये दोनों का सम, स्क्वायर का सम इज इक्वल टू थर्ड वन, सो वी कैन से दैट इट इज राइट एंगल ट्राइंगल। रीजन क्या देंगे? व्हाट इज द रीजन? रीजन देना है हमको। तो रीजन एक्चुअली क्या है राइट एंगल ट्राइंगल में? क्या रीजन है कि जो हाइपोटेन्यूज, जो ये दोनों साइड का जो स्क्वायर का सम है, दैट इज इक्वल्स टू सम ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड। तो यहां पर रीजन हम क्या लिखेंगे? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द टू साइड्स आर इक्वल टू सम ऑफ इक्वल टू स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड, देयरफॉर इट इज राइट एंगल ट्राइंगल। ये हमको अभी तक क्या करते थे? राइट एंगल ट्राइंगल दिया है तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करते थे, और इसको रिवर्स करना है हमको। राइट एंगल ट्राइंगल दिया नहीं है, साइड्स दिया हुआ है, और उसकी हेल्प से हमको आइडेंटिफाई करना है वेदर दीज साइड्स आर फॉर्मिंग राइट एंगल ट्राइंगल और नॉट। सेम क्वेश्चन वैसा ही है, सिर्फ उसको चेंज करके, ट्विस्ट करके बताया गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को सॉल्व करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। फर्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या वर्ड आया था? इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या हम लोग को ध्यान रखना है? इक्विलेटरल ट्राइंगल मीन्स ऑल द साइड्स आर इक्वल, ऑल द एंगल्स आर इक्वल। इक्वी वर्ड से आ जाएगा, ट्राइंगल में तीन ही साइड रहेगी, तो तीनों साइड इक्वल रहेगी। यहां पर वर्ड यूज किया है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। इज अ सिंपल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो नॉर्मल ट्राइंगल रहेगा। आइसोसेलेस ट्राइंगल अगर ये वर्ड नहीं यूज किया रहता, सिर्फ आइसोसेलेस ट्राइंगल रहता, तो हम लोग कैसा बनाते?
आइसो मीन्स टू, जिसकी दो साइड सेम रहेगी। इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है, तीनों साइड सेम रहती है, और आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है, दो साइड सेम रहती है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल रहता तो इस तरह से बनाते, ये दो साइड इक्वल रहती, सिर्फ ये दो साइड, थर्ड वाली कुछ भी हो सकती है, ग्रेटर और स्मॉलर कैसी भी, बट कंडीशन क्या होती है, दो साइड इक्वल रहेगी। यहां पर हमको जो वर्ड दिया है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल दिया है, तो इस डायग्राम में देखेंगे तो राइट एंगल कुछ भी नहीं दिख रहा है, राइट एंगल के लिए हमारे पास 90 डिग्री होना कंपलसरी है। तो आइसोसेलेस राइट एंगल के लिए हम लोग को कैसा डायग्राम बनाना पड़ेगा, इस तरह से हम डायग्राम बनाएंगे, राइट एंगल भी होना चाहिए और आइसोसेलेस मतलब टू साइड शुड बी इक्वल। तो ये जो हमारा डायग्राम बना है ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसमें हम लोग 30 राइट एंगल ट्राइंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम हम लोग यूज कर सकते हैं, एंगल और स्पेसिफाई नहीं किया है तो 30 60 90 थ्योरम यूज नहीं करेंगे, सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या है, अभी अभी मैंने बताया कि टू साइड्स आर इक्वल, इसमें क्या था इक्विलेटरल में तीनों साइड इक्वल थी और तीनों एंगल इक्वल थे, थ्री साइड्स आर इक्वल और तीनों एंगल इक्वल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या है, टू साइड्स आर इक्वल और दो एंगल इक्वल रहेंगे जो इसको बेस को फॉर्म करते हैं, बेस एंगल्स बोलते हैं इसको, ये दोनों साइड के बेस एंगल्स बोलते हैं, इसमें दो एंगल इक्वल रहेंगे, थर्ड वाला नहीं इक्वल रहेगा। तो इफ टू साइड्स आर इक्वल तो दोनों एंगल इक्वल रहेंगे, इफ थ्री साइड्स आर इक्वल तो ऑल द थ्री एंगल्स विल बी इक्वल। तो अब यहां पर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ये दो एंगल्स भी इक्वल होंगे और ये दो साइड इक्वल होगी, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने पर आ जाते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अ साइड ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल इज एक्स, यानी साइड एक्स दी है तो ये साइड और ये साइड इक्वल रहेगी। तो ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू बी सी, दोनों इक्वल रहेगा, दोनों क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। एंड फाइंड इट्स हाइपोटेन्यूज, हमको ये हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है ए सी। तो देखो राइट एंगल ट्राइंगल है, ये दो साइड मालूम है, थर्ड फाइंड करना है तो कैसे करेंगे हम लोग, पाइथागोरस थ्योरम से करेंगे। नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, हमको ए सी फाइंड करना है हाइपोटेन्यूज, ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये एक्स स्क्वायर हो गया और ए सी स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। तो ए सी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट लेंगे इसका, ए सी स्क्वायर इतना है तो ए सी कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर का x और 2 का रूट 2 हो जाएगा, है ना। So AC is equal to root 2x. So length of the hypotenuse is root 2x. इस तरह से हम लोगों को सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों ये तीन क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किए। अभी तक हम लोगों ने जो एक्सरसाइज में किए थे उसमें हम लोगों को डायरेक्टली डायग्राम आ जाता था, नंबर्स रहते थे, हम लोग सॉल्व कर लेते थे। आप लोगों को इस तरह से ट्विस्ट कर करके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन आपके माइंड में क्या रहना चाहिए, आपने जो 4 to 5 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज उसी में से यूज होगा पाइथागोरस थ्योरम में, उसके अलावा कुछ करना नहीं है। पाइथागोरस थ्योरम, 30 60 90 थ्योरम, 45 45 90 थ्योरम, ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी और लास्ट अपोलोनियस थ्योरम। किस क्वेश्चन में कौन सा वर्ड आएगा तो उस प्रॉपर्टी का यूज करना है, मैंने इससे पहले वाले सेशन में और लाइव सेशन में भी आप लोगों से डिस्कस कर लिया है, सिर्फ वो चीज का ध्यान रखना है। यानी अगर 30-60 आता है एंगल तो क्या करना है, सिर्फ राइट एंगल आता है तो क्या करना है, राइट एंगल पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं तो ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी यूज करना है, मीडियन वर्ड आ जाएगा अपोलोनियस थ्योरम यूज करना है, इस तरह से प्रॉपर्टी को यूज करना है। तो इसलिए मैंने आपको एक एक करके एक्सप्लेन करके बताया है। तो अब ये तीन क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए, फर्स्ट सेकेंड एंड फिफ्थ, एंड यू हैव टू प्रैक्टिस थर्ड फोर्थ एंड सिक्स्थ। Now this will complete your second questions. ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है सर।